क्या हो रहा है आज विक्की साहब? आज खारिज हो रही है मुझे। हमारे पास जुगाड़ बहुत ज्यादा होती है, मतलब असी लोग जड़े एक दुनिया के उ जापान है, ठीक है, अमेरिका, कैनेडा, ये लोग अपनी चीज़ें आजाद करते हैं, ये चीज़ बना के लोगों के उ इंट्रोड्यूस कराते हैं। असी लोग अपनी ऐसी चीज़ बनाने कि अगले की जान निकल जाती है। मतलब उन्होंने जहाज बना लिया ना, तो असी वो बस कि चीज़ बनानी है, मतलब असं भी अपना जहाज बना लिया, उन्होंने जहाज उतरे उठता साढ़े नाल ही डिगया होंगे। और साढ़े को जुगाड़ बड़ी होंगी है, मिसाल के तौर पर साढ़े घर फ्रिज नहीं है, ठीक है कि नहीं, असं घड़े ही यहोजा बना लिया कि फ्रिज में ज्यादा पानी ठंडा हो जाता। साढ़े घर की होंगे कि असी कभी भी अपने घर के ना कोई डस्टिंग वाला कपड़ा नहीं लैना। साढ़े घर जो होगा कि किसी वे भरा की शर्ट पाड़ कि सफाई हो रही, अब भी धोती ना फर्श साफ हो रहा, तो प्यो धोती ली जा रहा, वो मेरी धोती नहीं लभन रही, तो जी सफाई करनी मैंने तो नहीं पता कितने जे थले सफाई कर दी, वो मुड़ के जो तो नचोड़ के घेरे रख दी, कहते ऐ तो पही है, पहले तो सफाई लभन डे, मैं समझा थोड़ी धोती गुआची। बंदा खिंच के कहता जिद ना जमीन धोती यो मेरी धोती, मुड़ के पिछों आवाज आती चल छड़ दे हूँ मैं भी धोती, तो कितने कितने बन नहीं। तुम ये वेखो साढ़े लोगों के बच्चे कि होर दुनिया की कोई कौम इस तरह नहीं करती, जुत्ती गंदी होगी ए बैठा बंदा साफ कर रहा, पैर इस तरह कर रहा, साढ़े लोगों की जुत्ती गंदी हुई है, पहले ए किया फिर ए किया फिर ए किया और गया। और उस तो बाद असी एक चीज़ को कम कि लें, साडा जो एक टूथब्रश हों, बाकी पूरी दुनिया जी है ना जी वो दो वीक या तीन वीक टूथब्रश न अपना दंद साफ करके तो मुड़ के ब्रश छोड़ देंगे, साढ़े च टूथब्रश सुटन का रवाज ही नहीं है। पहले वो ब्रश करी जाना करी जाना करी जाना करी जाना करी जाना, जो दंदे घस जाने ने फिर उस बाद दादे दे देना, उन्हें खजाब लाना शुरू कर देना। दादा खजाब ला दे, खजाब ला ला के जो दंदे घस जाने ने फिर उस बाद ए सी दी जालियां साफ करना, फिर कर दे देना, फिर वो नाला पानी बन जाए, फिर उस बाद बुढ़ी दादी ने दे दीदा, वो जी बाहर बैठ के सारे न्याणे गाला भी कट रही होंगी, खुरक कर रही, हट जाओ वे साढ़े। कभी तुम बाहर किसी भी डस्टबिन वेखोगे ना ट्यूब पूरी बार नहीं पई होएगी, ट्यूब न कुट कुट के ना पहले तो वो डेले पाड़ देने ने, एक तो बाहर आना ना इतों ने पेस्ट ने और साइडा तो भी निकलना, जिम्मे अंब चूबन लगे ना इधर उधर उतर, इधरों पेस्ट बाहर निकलिया, इधरों पेस्ट बाहर निकलिया, वो इन्नी क पेस्ट काट देना कि समझ लो कि जिम्मे उत्ते इस्त्री रखी उस बाहर कटे। फिर भी शक रह जाता है, फिर आखिर में पीछे से कैंची से काट के उधर से निकालने की कोशिश। बंदा ही फाड़ लेगा पूरी दुनिया जड़ी है ना जी, देखो कोई बस से चढ़े ना जी ए करके बस से चढ़े देखे ना सीट नहीं है ते ओ अपना खड़े हो जाएंगे। तो एक अद्धी हरी किसी वेखन गए करके कोई सीट दे रहा नहीं दे रहा ना सही, साड़ी कौम का बंदा उत्ते करके चढ़ना उन्हें हूँ वेख जगह नहीं है नाल तिना वाली अगले का सह कुटिया होता जरा पहले बैठा होता जरा महंगी टिकट लई भाई जान थोड़ा जा कोई हो गया कि जान निकल रही है मरन लगा तो जाने मामा उतर जाने अखा ही कढ़न लग पिया थोड़ा नाल जहाज जो तो बैठना पूरी दुनिया बैठती है, अमेरिकन जो तो बैठता अमेरिकन बैठते इं करके जहाज जिस तरह टेक ऑफ करता लैपटॉप खोल लैन गए, लैपटॉप खोल के कोई अपना वर्क कर लग पे। यूके के जो लोग ने ब्रिटिश लोग जोड़े ने वो अपना मोबाइल कट के मेल्स वगैरह करना शुरू कर देंगे, साढ़े वर्ग जो बंद ने शरबत खंघ पी के ना उठते करके जहाज मैं चलाना है सारे पढ़ के एक्सक्यूज मी प्लीज अपनी सीट पर बैठ जी है जहाज मैं चलाना उस देखते हैं कि ये अर्गा बंदा होर कितने बैठा उन्हें जानते देखो जी आप इसको समझाए ना ये क्या कर रहे थे चला दे कि क्या आने लगी उन्हें चला नहीं दिया कितने मार देना उत्ते कड़ा सिग्नल जड़े ने तोड़ देने सामने ट्राली आन दी तेरे बेबे का जहाज चला दे टैलीविजन जो घर चाहते सन साढ़े लोगों के घर जो टैलीविजन आता से ना ये बड़ी जुगाड़ होंगी सी पहले तो टीवी लैके ब्लैक एंड वाइट आना वो अपनी स्क्रीन रख के उन्होंने कलर बना रंगदार शीशा रख के तो जे किसी ने कलर लै ही आना वो कलर भी इन्ना लैके आना कि मसा वो दो तीन रंग आन डे उस टीवी उत्ते खलो के चाह भी पी लेंगे उत्तर बिस्कुट भी रख लेंगे। अच्छा उस जमाने की होंगे ज्यादा टीवी किस तरह खराब होंगे कि एवं तुम पिछों खोल के वेख्या बच्चे चूहा फसया वो फिर रिमोट वाला आ गया फिर रिमोट को इन्होंने कितना काम लिया रिमोट को यहोजा काम लिया कि रिमोट बेचारे की जान निकल गई टाइम आया चार पाँच साल बाद सैल मुक गए ने सैल नहीं पा रहे उन्होंने इन्हें खड़काई जा रही मुड़ के मार मार के टीवी के अंदर तारा ही लिया सर अगली बार रिमोट हूँ काम करना बंद कर गया हूँ जो लंघ रहा किसी बांह वजी टीवी चल गया।
वो रिमोट बंद कर लगे बिल्कुल कम करना फिर उस बाद अपने मंजी से बैठ के तो वेखना लम्मी सोटी रखी वो मार मार के चेंज करना बारहों बिल्ली आई रिमोट ने बिल्ली तो उस बाद नौकरानी ने कहना यह पानी लै लो तो गिलास उन्हें उत्थे रख जाना सोटी ने घसीट के नाल वेलकम बैक आप देख रहे तारों से करें बातें और हमारे पास जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं नबील जफर लाहौर याद आता है कि नहीं अपने दोस्तों को छोड़ के चले गए अपनी वो गली मोहल्ले जहाँ पर आपने पूरा स्ट्रगलिंग टाइम अपना गुजारा है काम यहाँ कम है जिसकी वजह से लोगों को मूव करना पड़ता है वरना लाहौर को छोड़ना मुश्किल काम है आदमी महबूबा छोड़ सकता है लाहौर नहीं छोड़ सकता लाहौर कहिए कि लाहौर का अपना मिजाज है यहाँ का कल्चर है मुझे अशफाक साहब की वो बात याद आती है अशफाक साहब ने लिखा कि लाहौर वो शहर है जिसको पसंद नहीं करता उसको उठा के बाहर फेंक देता है और जिसको पसंद करता है उसको बहुत ख्वार करता है और बहुत नवाजता है वाह वाह तो मुझे मुझे लाहौर ने ख्वार करके नवाज के बाहर फेंक दिया चाची को लाहौर ने ख्वार ही किया है नवाजा नहीं है अगला हो सकता है 400-500 साल बाद चाचा नवाजा जाए नहीं मैं लाहौर ने पूछा मैं जी की कर रहे हो कहते नहीं इन्हें बड़ा ख्वार कर जो बंदा ना वो करना चाचे लाहौर ने सिर्फ ख्वार ही नहीं किया फिर क्या दो तीन बारी तो चुप के बाहर भी छुपे और जो लाहौर की अख लग जाती फिर चुप करके इधरों साइडा धो के अंदर अच्छा एक दो बारी ना वापस जो कट दिता ना लाहौर ने तो वापस आए तो लाहौर की किधरे अख लगी थी लाहौर ने पास आया उन्हें कद बाज नहीं आना तेन किए एक दिन लाहौर एंटर ही होया तो यादगार ने वेख ले हुने चुबड़ जी आवाज दी उन्हें कि अपने अंदर बन के इनू मजंग चुंगी को फेंटी पोआ और शुक्र करो मैंने हरे पाकिस्तान ने नहीं हेल्प ली उन्होंने और उदों का कहता अजकल बड़े मजंग हालात ने आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है आपने जैसे बताया कि विक्की भी आपसे छोटे उम्र में और आप बड़े उनसे उम्र में अपना मेरा ये है कि मैं खाना और थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज जरूर करता हूँ एक अरसे से इसको भी याद होगा शुरू दिन थे जब हम लोग अपने फ्लैट पे थे तो उस वक्त भी खाना जो इन्होंने शाम को खाना है फिर उसके बाद जब मैंने ड्रामे से वापस आना थे चक्कर लग रहे हैं मतलब नीचे हम लोग मुझे बल्कि याद आ गया मेरी बाँह फड़ी है तो मैं उन्होंने कह रहा मैंने नींद आई बल्कि एकदम बड़ा मजे का वाक्य है मैं शादमान में जहाँ रहते थे तो इसको भी जब जैसे ही आता था मैं कहता था आज अब ये मरने वाला हम वॉक कर रहे थे देखा कि घर के सामने टैक्सी आके रुकी अच्छा और दरवाजा अच्छा क्योंकि अंधेरा था थोड़ा सा और दरवाजा बंद हो गया और टैक्सी चली गई जान निकल गई अच्छा हम रुक गए अब पीछे अंधेरा है शादमान में और वॉक कर रहे हैं सर्विस लेन पे मैंने कहा विकी ये क्या था कह रहे भाईन नजर आ रहा है टैक्सी रुकी है दरवाजा खुला है बंदा नहीं आया और टैक्सी दरवाजा बंद हुआ है टैक्सी चली गई बाहर कुछ देर हम वॉक थोड़ी की हम ऊपर चले गए ऊपर जाके गए तो जाके देखा आगे कमरे में हमारे कौडू साहब बैठे हुए थे कौडू साहब उतरे थे टैक्सी से उतरते नजर नहीं आया खुले दरवाजे में निकल गए दरवाजे की ओड़ में निकल गए ना आप जाके गए क्या कह रहे हैं और तुसी बड़े बदतमीज है गयो सुबह मेरी पता नहीं जद्दे दी फ्लाइट है मैनू छड़ के आना रात सामान लेके हमारी तरफ आ गए कौडू साहब तैयार होके सूट पहन के आ गए थे अब रात उन्होंने उतार के उसमें हैंगर में डाल के मेरी कबर्ड के बाहर लटका दिया अब वो सूट का साइज ये था अगले दिन मेरा कजन एक आया फैसलाबाद से वो बैचलर रह रहे हैं उसने देखा एक बच्चे का सूट लटका हुआ मुझे कहता है ब्याह कर लिया मैंने कहा ओए अच्छा मैं उसको कहा पिछड़ दे इधर कौडू साहब लेटे हुए मैंने कहा कौडू साहब तो पांव आ जाएगा तेरा भाई बल्कि इन्होंने दोस्त ने कहा पैर पीछे रखी मेरे ब्याह का सबूत ना फेंक दे अच्छा फैसलाबाद जब जाते थे ना कौडू साहब तो मेरे घर में जाके रहते थे वो एक दफा ना घर गए हुए तो पूरा एक बेड डबल बेड पे लेटे हुए ऊपर कंबल तो मेरी छोटी बहन उसकी सहेली आई उन्होंने कहा जी कौडू आया हुआ कहती मुझे दिखा जरा कहती यहां सो रहा है कहती थोड़ा सा कंबल चुके बखा के मैंने क्यों पता कितने पे है जब आपने नया नया काम शुरू किया था तो कौन सी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस थी जिनके साथ आप काम करना चाहते थे जिनको आप बहुत पसंद करते थे और जिनको आप बस देखना भी बहुत यू नो एक फैंटेसी रखते थे कौन कौन सी ऐसी फीमेल एक्ट्रेस थी देखिए बीइंग एन आर्टिस्ट जो है ना
शुरू में जब मैं आया हूँ उस वक्त जो मेरे एज फेलोज़ में या मेरे पेयर की जो ख़वातीन थी उसमें ज़्यादा, जैसे पहला सीरियल मेरे साथ थी रेशम, उसका भी पहला था, मेरा भी पहला था। फिर मुझे जो बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया या मुझे लगता था यार मुझे काम करके जो एक मज़ा आता है ना आपको, रिस्पॉन्स एक्शन रिएक्शन का गेम है एक्टिंग, आरिफा मुझसे सीनियर थी लेकिन मेरी बड़ी विश होती थी कि मैं इसके साथ। वो फिर हुआ भी ये कि सेकंड सीरियल में दलदल में, दिन में तो रेशम थी, दलदल में अयूब खावर साहब ने मेरे अपोजिट आरफा को कास्ट। मगर आरफा सिद्दीकी जी वाज माय फीमेल क्रश, मतलब मुझे इतनी पसंद थी वो, बहुत नहीं आर्टिस्ट को पसंद थी आर्टिस्ट। और बड़ा अलमिया ये हुआ कि उन्होंने बड़ा पीक टाइम पे एक्टिंग छोड़ दी, बल्कि आप सुना हम बड़ी कोशिश, फसी बारी खान मेरे दोस्त राइटर हैं, बड़ा उन्होंने 2001 में हमने शाला कोट किया लास्ट, उसके बाद मेरे नहीं ख्याल उसने एक्टिंग की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको दोबारा साथ इधर लाएं एक्टिंग में। घर में बेगम से लड़ाई नहीं होती कि कोई भी लड़की अगर अपना पर्सनल फोटो शूट कराती है तो आपको व्हाट्सएप क्यों करती है, आपको क्यों भेजती है? नहीं मैं पागल थोड़ा हूँ कि बेगम को व्हाट्सएप दिखाऊंगा। जब नई नई शादी हुई थी तो बेगम को तो पता था मैं स्टार हूँ। उसमें मजे का काम क्या होता था, जैसे आप किसी गैदरिंग में गए, चार खवातीन इधर उधर, अब वो बेगम का उसने कुछ नहीं करना, उसने देखना चार खवातीन में घिरा हुआ बड़ा कोई चल रही है गुफ्तगू चल रही है, नहीं गुफ्तगू चल रही है, तो उसने खामोशी से ला के एक आधा बच्चा गोद में दे देना।